हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम पोलर प्लॉट डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 है पोलर प्लॉट का, कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है। ये वीडियो आपका गेट आईएएस एंड अदर पीएसयू एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी माय एकेडमी पर वीडियो आते हैं वो सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ही होते हैं, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपको न्यू अपडेट मिलते रहे। और मोबाइल से अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो में भी हम क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। अगर आप 1 से लेके 4 तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पोलर प्लॉट का, तो आप उसे जरूर एक बार देख लें ताकि आपको कंप्लीट पोलर प्लॉट आपको समझ में आ जाए। और कंप्लीट कोई किसी भी टाइप के क्वेश्चन, गेट आईएएस और कोई भी पीएसयू के क्वेश्चन हो तो आप उसमें आप ना फंस जाएं, आपको पूरे क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। तो इसलिए आपको कंप्लीट ज़्यादा मिनट का नहीं है वीडियो, 20-20, 15-15 मिनट के वीडियो हैं, तो आपको 4-5 वीडियो हैं उसको आप देख लेना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि पोलर प्लॉट डायरेक्टली कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा स्टार्टिंग जो होगा वो टाइप वन होने की वजह से इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और इंड होगा 0 पे। और जो आपका फेज होगा वो टाइप वन है तो इसकी वजह से -90 डिग्री और ये इसके वजह से +90 डिग्री। तो स्टार्टिंग होगा 0 से। देखिए पोल के वजह से तो -90 डिग्री फेज बनता है, लेकिन यहाँ माइनस साइन होने की वजह से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था। चलिए मैं इसमें भी आपको फेज यहाँ पर s=j ओमेगा पुट कर दीजिए। तो जो फेज का फॉर्मूला होता है वो टाइप वन होता है तो -90 डिग्री और -10 inverse j ओमेगा का कोफिशिएंट -ω/1 हो जाएगा। और माइनस ओमेगा है और माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ ओमेगा हो जाएगा 10 इनवर्स। तो कहने का मतलब है कि ω=, अगर 0 पुट करें तो ये 0 पुट करेंगे तो ये 10 इनवर्स 0 हो जाएगा और आपका जो स्टार्ट होगा वो हो जाएगा -90 डिग्री से हो जाएगा, सॉरी यहाँ -90 डिग्री से हो जाएगा। और अगर इन्फेनाइट पुट करते हैं ω=, तो इन्फेनाइट 10 इनवर्स इन्फेनाइट +90 डिग्री और +90 डिग्री और -90 डिग्री 0 हो जाएगा। उस केस में आपका इंडिंग होगा 0 पे, यानी कि आपका पोलर प्लॉट जो होगा ये आपका 0 डिग्री, ये आपका -270 डिग्री और ये -180 डिग्री और ये -90 डिग्री। तो आपका स्टार्ट होगा पोलर प्लॉट -90 डिग्री से और इंड होगा 0 पे ऐसे। तो ये आपका पोलर प्लॉट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। (1-0.2s) इसका आप मैग्नीट्यूड और फेज पहले फाइंड आउट कर लीजिए। मैग्नीट्यूड जो होगा ये इसमें एक जीरोज है जो पोजीशन 0 पे है और इनिशियल पे एस प्लस कोफिशियंट यहाँ s+0 है मानिए, और एक पोल है, ये पोल है आपके। तो मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो आपको पता ही है ω/1+0.2 ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। और फेज जो होगा वो हो जाएगा जीरोज की वजह से +90 डिग्री और पोल की वजह से -10 inverse -0.2 ω/1। और ये माइनस और ये माइनस को प्लस कर देगा इसको, तो +90 डिग्री और +10 inverse 0.2 ओमेगा। तो आप अगर ω=0 रखते हैं, इन्फेनाइट रखते हैं, तो मैग्नीट्यूड अगर ω=0 रखते हैं तो मैग्नीट्यूड 0 और हो जाएगा, और इन्फेनाइट रखते हैं तो इन्फेनाइट बाई इन्फेनाइट। तो इसमें से क्या कीजिए, ω=∞ पुट करना है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए। तो एक जीरोज में ऊपर ओमेगा है, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लीजिए और रूट अंडर के अंदर ओमेगा आएगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1/ω का स्क्वायर कोएफिशिएंट होगा और यहाँ पर 0.2 होगा। तो ये ω=∞ यहाँ पर पुट कीजिएगा तो 1/ ये 0 हो जाएगा और 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में 1/0.2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, यानी कि आपका इन्फेनाइट पर मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5। यहाँ पे पुट करके देख लीजिएगा आप। और फेज की बात करें
तो इनिशियली अगर टेन इनवर्स जीरो देते हैं तो प्लस 90 से स्टार्ट होगा, और अगर इन्फिनाइट देते हैं तो 0.2 इंटू इन्फिनाइट इन्फिनाइट हो जाएगा, और टेन इनवर्स इन्फिनाइट यानी प्लस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा प्लस में। तो आप यहाँ पे आप जीरो और ये आपका हो गया, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो प्लस 90 डिग्री और प्लस 180 डिग्री और प्लस 270 डिग्री, अगर माइनस के साथ लेते हैं तो ये माइनस 90 डिग्री होता है, ये माइनस 180 डिग्री होता है और ये माइनस 270 डिग्री होता है। हमने इसको प्लस में इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ एंगल जो है वो प्लस 90 और प्लस 180 डिग्री आ रहा है, इसलिए हमने, तो आपका जो ग्राफ है वो प्लस 90 से स्टार्ट होगा और 180 पर एंड होगा, मैग्नीट्यूड जीरो से स्टार्ट होगा और 5 पर एंड होगा। इसका मतलब जो आपका पोलर प्लॉट बनेगा यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा, ये जीरो डिग्री से, और एंड होगा 90 डिग्री से स्टार्ट होगा आपका पोलर प्लॉट। तो ये 90 डिग्री ये है और जीरो से स्टार्ट होगा और माइनस 5 पे एंड होगा और 180 पे एंड होगा, यहाँ पे 180 पे आपका फाइनल पोलर प्लॉट का ड्रॉ है, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना होगा। ठीक, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, ये सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा क्योंकि हाँ ये स्टेबल सिस्टम होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में ही वन जो आपका है माइनस वन जो यहाँ पे है उसको इन सर्कल लेफ्ट साइड में ही है, तो इसलिए सिस्टम स्टेबल होगा। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आप वहाँ से देख के इसे समझ सकते हैं। तो ये आपका पोलर प्लॉट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस माइनस वन एस प्लस वन। देखिए ऑल पास ट्रांसफर फंक्शन है, ये ऑल पास फिल्टर है, ठीक है सॉरी। तो इसमें मैग्नीट्यूड जो होगा वन होगा, ऑल वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा कोई वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वन होगा, और फेज जो होगा वो 180 डिग्री से टू, जो आपका 180 डिग्री से स्टार्ट होगा और जीरो डिग्री पे एंड होगा। इसका मैग्नीट्यूड और फेज निकाल सकते हैं आप। मैग्नीट्यूड का मैंने आपको बताया था, जे एस इज टू जे ओमेगा वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, जे ओमेगा माइनस वन और जे ओमेगा प्लस वन, और आप यहाँ से ओमेगा का कोफिशियंट प्लस वन और बाई ओमेगा का कोफिशियंट प्लस वन, और एक कैंसिल आउट हो जाएगा, वन हो जाएगा, ऑल वैल्यू ऑफ ओमेगा मैग्नीट्यूड इजकल टू वन। तो जो आपका पोलर प्लॉट ड्रॉ होगा और जो एंगल होगा वो आपका फेज आप यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, फेज इजकल टू हो जाएगा, इसको ले लीजिए टेन इनवर्स ओमेगा बाई माइनस वन, और ये जीरो की वजह से पॉजिटिव होगा और माइनस होगा इसके वजह से, पोल के वजह से टेन इनवर्स ओमेगा। अब इसको आप माइनस है तो इसलिए हो जाएगा 180 माइनस टेन इनवर्स ओमेगा, तो यहाँ से टू से एक माइनस ये हो जाएगा, इसके वजह से यहाँ टू लिख लीजिए, टू से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ओमेगा इजकल टू जीरो पे आपका वैल्यू 180 डिग्री आएगा, और इन्फाइनाइट पे आपका यहाँ इन्फाइनाइट लेते हैं तो जीरो डिग्री आएगा, तो स्टार्ट होगा प्लस 180 से और एंड होगा जीरो डिग्री पे। यहाँ से आपका ये हो जाएगा जीरो डिग्री, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो आपका जीरो से स्टार्ट होगा ग्राफ, मैग्नीट्यूड कितना, हर वैल्यू पे वन ही होगा, और 180 से स्टार्ट होगा और जीरो पे एंड होगा, तो आपका ये ग्राफ हो जाएगा ये, और ये भी वैल्यू वन हो जाएगा। ये आपका पोलर प्लॉट हो गया। डायरेक्शन आपको जरूर दिखाना है कि अगर डायरेक्शन आपने उल्टा दे दिया, इसका मतलब आप जीरो से 180 पे जा रहे हैं फेज में, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए कभी भी आपको डायरेक्शन पे ध्यान रखना है, और वन से आपने स्टार्ट किया तो जीरो पे आप फेज के अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन को लिखते हैं यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पोलर प्लॉट का लास्ट क्वेश्चन होगा। जी एस इजकल टू के बाई एस। देखिए टाइप वन सिस्टम है और इसमें आपका जो पोल का पोजिशन है वो यहाँ है, इसका आपको पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले एस इजकल टू जे ओमेगा पुट कर लीजिए, तो के बाई जे ओमेगा मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा के बाई ओमेगा, और जो आपका फेज हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। तो देखिए माइनस 90 डिग्री होगा ऑल वैल्यू ऑफ ओमेगा, और जो आपका फेज होगा मैग्नीट्यूड होगा वो आपका वेरी करेगा, अगर आपने ओमेगा इजकल टू जीरो पुट करते हैं तो इन्फिनाइट टू, और ओमेगा इजकल टू इन्फिनाइट पुट करते हैं तो एम की वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो जीरो तक
जाती है, ये आपका होगा पोलर प्लॉट। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया -90 डिग्री, और ये हो गया आपका -270 डिग्री, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में सभी टाइप के ट्रांसफर फंक्शन, ये 0 टाइप के ट्रांसफर फंक्शन है, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे आप देखिए, अगर टाइप वन सिस्टम है, एस का कोफिशियंट 1 है यहाँ, तो ये टाइप वन सिस्टम है, और टाइप वन सिस्टम है तो आपका -90 पर फेज हो रहा है। तो -90 कहाँ है, यहाँ है, और आपका जो मैग्नीट्यूड है वो है इनफाइनाइट से जीरो, यानी कि ये इनफाइनाइट से आ रही है वैल्यू, और ये जीरो की तरफ टेंड्स कर रही है, जीरो की तरफ जा रही है। ये हो गया आपका ग्राफ के बाई एस का। अगर यही ट्रांसफर फंक्शन आपका के बाई एस स्क्वायर होता तो वो ग्राफ होता आपका ये हो जाता आपका के बाई एस स्क्वायर का, ये हो जाएगा आपका के बाई एस क्यू का। तो आपने देखा कैसे ट्रांसफर फंक्शन अगर टाइप वन हो तो 90 डिग्री पे, और टाइप टू है तो 180 पे, और टाइप थ्री है तो 270 डिग्री पे अकॉर्डिंग ये आ रहा है। तो इस तरह आपका ट्रांसफर फंक्शन जो है, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन हो, आप पोलर प्लॉट आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रही है पोलर प्लॉट में डिस्कस करने में, 5 लेक्चर मैंने दिए हैं, पूरे फुल टाइम दिया है मैंने, उसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन या कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके जहां तक संभव हो पाएगा मैं कोशिश करूंगा कि उसे सॉल्व कर दूं, या उस पर वीडियो बना के मैं अपने माईकेडमी चैनल पर अपलोड करूँ। और आप वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो इसमें छोटी सी एक पॉइंट है रह गई है, उसको मैं डिस्कस कर नहीं देता हूँ, ठीक है। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए जो पोलर प्लॉट में जो ये आपका पॉइंट होता है -1 और 0, ठीक है, ये अगर लेफ्ट साइड में, पोलर प्लॉट के लेफ्ट साइड में लोकेट होता है, अगर लेफ्ट साइड में हो ये वैल्यू, लेफ्ट साइड हो पोलर प्लॉट के, प्लॉट के, तो सिस्टम होता है स्टेबल। अगर राइट साइड हो ये -1 और 0 कोऑर्डिनेट, तो सिस्टम हो जाता है अनस्टेबल। ये छोटी सी पॉइंट है, आप इसे लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है, और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर आपका कोई पोलर प्लॉट है और पोलर प्लॉट आपका ये है, मानिए ये पोलर प्लॉट है, बहुत सारे पोलर प्लॉट है, ठीक, ये पॉइंट है 1 -1, ये है 0.5, ये है 2, ये है 3। तो आप यहाँ देखिए, ये सिस्टम स्टेबल होगा, और अगर 1 पे है कोई ग्राफ ये, तो ये सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा। देखिए मार्जिनल स्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबिलिटी, ये सारी केस हम राउट ऑर्बिट क्राइटेरिया में देखेंगे और उसके पहले भी देखेंगे। और ये 2 और 3 ये दोनों होगा अनस्टेबल, क्योंकि हम जब ग्राफ ऐसे खींचते हैं, ये ऐसे आता है, तो ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड, और इसके इस पोलर प्लॉट की बात करें तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा राइट साइड, और लेफ्ट साइड में -1 है यहाँ पे, और ये -1 पे ही है, इसलिए मार्जिनल स्टेबल होगा। इस ग्राफ की बात करें तो इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड, इधर हो जाएगा राइट साइड, इस केस में ये ग्राफ अनस्टेबल है, ये पोलर प्लॉट अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि इधर हो जाएगा राइट साइड, तो -1 किधर है, राइट साइड की ओर है। तो इसलिए जो पोजिशन होता है, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, ग्राफ में अगर हम इस तरह जा रहे हैं, इस तरह ला रहे हैं, तो ये हो जाता है राइट, ये हो जाता है लेफ्ट। पोलर प्लॉट में अगर हम इस तरह जा रहे हैं, मतलब ऐसे जा रहे हैं, तो ये हो जाता है आपका लेफ्ट, ये हो जाता है राइट। अगर हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे याद रखिएगा, तो ये हो जाता है आपका राइट, ये हो जाता है लेफ्ट। इस तरह आपको पोलर प्लॉट में देखने होते हैं स्टेबिलिटी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा गेट और आईएएस के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप माई एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस पे मैसेज कर दीजिए, एड मी,
इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको जो भी वीडियो अपलोड करूंगा माई अकेडमी पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जिसके कारण आपके मोबाइल पे लिंक उसका मिल जाएगा, आप इजीली देख सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।